नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपनी डॉटर के बर्थडे में बहुत ही आसान सा रेनबो थीम डेकोरेशन किया था, जिसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं नेम स्टैंड बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये प्लाईवुड का टुकड़ा लिया है और अब मैं इसे व्हाइट एक्रिलिक कलर से पेंट करके ड्राई होने दूंगी। मेरे पास मेरी डॉटर के ये प्लास्टिक अल्फाबेट्स हैं। इन लेटर्स को मैं नेम के अकॉर्डिंग हॉट ग्लू गन की हेल्प से प्लाईवुड में चिपकाती जाऊंगी। इस तरह हमारा नेम स्टैंड बन गया है। अब मैं कार्डबोर्ड से बादल बनाऊंगी, जिसके लिए मैं पेंसिल से कार्डबोर्ड में क्लाउड ड्रॉ कर लूंगी और फिर इसे काट लूंगी। अब मैं इसे व्हाइट एक्रिलिक कलर से पेंट करके ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसमें ब्लैक स्केच पेन से आईलैशेस, रेड पेन से लिप और पिंक पेन से ब्लश बनाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर की तरफ एक होल बनाऊंगी और इसे हैंग करने के लिए इसमें ऊन अटैच करूंगी। सेम प्रोसेस से मैं एक और क्लाउड बनाऊंगी। अब मैं टॉफी के ग्लास में लगाने के लिए टॉपर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये स्टिकर लिए हैं। अब मैं रेनबो स्टिकर्स को ग्लू गन की हेल्प से बैम्बो स्क्यूअर्स के ऊपर चिपका दूंगी। अब मैं इसके नीचे एक और स्टिकर लगाऊंगी। अब मैं इसी तरह दो और टॉपर बनाऊंगी। अब मैं कांच के ग्लास में टॉफीज डालूंगी और इसके ऊपर टॉपर लगा दूंगी। अब मैं 7 कलर्स के दुपट्टों को कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स की हेल्प से इस पर्दे के बैक साइड में अटैच करूंगी और जो मैंने क्लाउड्स बनाए थे उन्हें भी दोनों साइड बांध दूंगी और फिर रॉड में व्हाइट बलून्स लगाऊंगी और दोनों साइड एलईडी लाइट लगा दूंगी और इसके सेंटर में बर्थडे बैनर लगाऊंगी और फिर टेबल में व्हाइट कपड़ा बिछाकर इसमें नेम स्टैंड और टॉफी ग्लास रख दूंगी और लास्ट में रेनबो थीम केक और कपकेक्स रख दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।